नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल 28 अक्टूबर है, यानी कि बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान अच्छे से हो, सुचारू रूप से हो, इसके लिए व्यवस्थाएं जो है वो पूरी टाइट कर दी हैं सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। और ऐसे में चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष ने, अब जब 12 घंटे से भी कम का समय बाकी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है, जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया है कि किस तरीके से उनके वीडियो को वायरल किया गया है, दुष्प्रचार किया गया है, ताकि लोगों तक गलत संदेश जाए। जेडीयू अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसा चिराग पासवान कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे इस वीडियो में आप सुनिए। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। आज चुनाव प्रचार समाप्त करके अभी जैसे ही मैं घर आया तो मुझे ये एक लेटर मिला जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, कुछ मीडिया हाउसेस को भेजा गया है, जिसमें मेरे बारे में जानकारी दी गई है कि मैं किस तरीके से अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और इन शॉर्ट ये कि मैं पिताजी के निधन का ना मुझे कोई दुख है, ना उनके जाने का मुझे कोई गम है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी हार से इतने ज़्यादा विचलित हो गए हैं, इतने ज़्यादा बौखला गए हैं कि वो एक बेटा जिसके पिता को भी गए हुए 20 दिन भी नहीं हुए हैं, उसके बारे में इस तरीके के वीडियो रिलीज कर रहे हैं और इस तरीके का लिखित नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये लिख के मीडिया हाउसेस को दिया गया, और कुछ मीडिया हाउसेस जो उनके संरक्षण पर चलते हैं वो इसको चला भी रहे हैं अपने चैनल्स पर। और लिखित रूप में इसमें दिया गया है कि 2 दिन पहले पिता का निधन हुआ और वो देखिए पिता के मुस्कुरा रहे हैं, ना चेहरे पर कोई शिकन ना कोई गम। पिता की मौत के बाद मुझे प्रमाण देने की ज़रूरत है या किसी को भी प्रमाण देने की ज़रूरत होती है? मतलब राजनीति को हम इतने छोटे स्तर पर ले आते हैं कि अभी कुछ दिन नहीं हुए पापा को गए हुए, और मुझे ये नीतीश कुमार जी को प्रमाणित करना है कि उनके जाने का मुझे कितना गम है, कितना दुख है। हाँ, एक शूटिंग चल रही थी, मैं काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि 13 दिन तक बिहार में जिस तरीके की परंपराएं होती हैं, पापा का जो श्राद्ध का कार्यक्रम था, 13 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। और वो दौरान ऐसा था जब मैं सिर्फ डिजिटली ही मैं कैंपेन कर सकता था, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां, पापा एक ऐसे समय पर मुझे छोड़ के गए जब चुनाव सर पर था, तो उस वक्त सारी पार्टियां चुनाव में उतरी हुई थी, और मेरे लिए उस कहीं पीछे नहीं रहूं, तो इसलिए मैं डिजिटली मैं अपना चुनाव प्रचार कर रहा था। उसमें अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, और जो मैंने पापा के साथ ही बनाया, और इसीलिए मैं चाहता था कि उनकी तस्वीर के साथ मैं उस विजन डॉक्यूमेंट को मैं डिजिटली भी मैं लॉन्च करूं, उसको लेकर हम लोग शूट कर रहे थे। और इस तरीके के शूट रोज़ होते हैं, रोज़ कोई ना कोई मीडिया चैनल्स मीडिया हाउसेज आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बट जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इस चीज़ को मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश की, आप सब जानते हैं कि मैं पापा से कितना प्यार करता था और पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, और उसके बाद इस बात को कहना कि देखिए पिता की तस्वीर के सामने हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। यकीनन जब आप काम करते हैं, आप अपने दोस्तों अपने कलीग्स के साथ होते हैं, आप अपने काम करने वाले लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, बातचीत ऐसी होती है, कोई बातें ऐसी हुई होंगी, स्वाभाविक है कि चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई होगी या किसी ने कुछ कहा होगा। बट इसका ये तात्पर्य निकालना कि इंसान को अपने पिता के जाने का दर्द नहीं है, दुख नहीं है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है। मतलब मुझे पापा के जाने के बाद भी प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ या वो मेरे लिए क्या थे। मैं बस ये सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि लिखित रूप में मुख्यमंत्री ये साजिश रचते हैं, लिख के देते हैं मीडिया चैनल्स को कि आप ये वाला नैरेटिव पढ़िए या ये बातें बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे, इस बात को जानेंगे कि राजनीति में किस तरीके से अपनी हार को देखते हुए मुख्यमंत्री इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि ऐसी व्यक्तिगत बातें आप कीजिए ना, मेरी बुराई कीजिए मेरी नीतियों को लेकर, आप बोलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरा विजन गलत है, आप बोलिए कि मेरे साथ जन समर्थन नहीं है, मेरी रैलीज में भीड़ नहीं आती या युवा मेरे साथ नहीं जुड़ा, आप ये सारी बातें कीजिए। इस तरीके से ये बोलना मेरे दिल पे क्या गुजरती है एक बार सोचे तो मुख्यमंत्री, जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि मैं पिता की मौत के ऊपर राजनीति कर रहा हूँ या वो गए हैं और मैं मुस्कुरा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मेरे दिल पे क्या गुजरती है जब बार बार आप इन चीज़ों को खुरते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोग इस बात को समझेंगे, बिहार की जनता इस बात को समझेगी। मुझे अपना पक्ष रखना मुझे लगा कि ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया और ये वीडियो शूट किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया है, 12 घंटे से भी कम का समय बाकी है। अब जब पहले चरण के मतदान के
आरंभ होने में। तो ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर कि जो वीडियो वायरल किया गया है कुछ झलक हम उसकी दिखा रहे हैं। जब चिराग पासवान वीडियो बनवा रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनके पिता का निधन हो गया था, उसके बाद काफ़ी कम समय बचा था, लिस्ट भी जारी करना था, तो ऐसे में जल्दबाजी में जब वो वीडियो बनवाए थे उस वक्त के कुछ रॉ फुटेज जो है वो वायरल किए गए थे। तो ऐसे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो रहे वायरल वीडियो का ठीकरा भी जेडीयू ने जब फोड़ा चिराग पासवान के ऊपर, तो चिराग पासवान ने भी पलटकर जवाब दे दिया है कि नीतीश कुमार अपने हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनकी हार तय है। चिराग पासवान के इस दावे में कितना दम है, खैर ये तो जनता बताएगी। 10 नवंबर को कल पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में लाइव स्ट्रीम भी आपसे उम्मीद करता है, अपील करता है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेंगे। कोरोना संकट का दौर है, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वोट जरूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।